तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस वार्ता की। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस वार्ता में कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना से सबने मिलकर मुकाबला किया, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री का। साथ ही कोरोना के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, तो भारत ने दो दो वैक्सीन का आविष्कार किया है। भारत में कोरोना के 220 करोड़ डोज लगे हैं और भारत ने दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजी है, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। गांव तक बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। शुद्ध भारत किसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जन के हित में जो नीतियां और कार्यक्रम और योजनाओं का शुरुआत हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच स्पष्ट है कि एक स्वस्थ भारत और एक शिक्षित भारत, इसी के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभरने की पूर्ण क्षमता रखेगा। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, और क्या कुछ कहा आपको बता दें, या हम आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। और इस समय जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के हालत जो है, केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने चिंता भी जताई है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में दो दो वैक्सीन का आविष्कार हुआ है और 220 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं।